तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि मैं आज कंपैरिजन करूँगा TVS रेडियन और स्प्लेंडर प्लस का, हीरो स्प्लेंडर प्लस का, इन दोनों बाइक्स का मैं कंपैरिजन करूँगा आज। तो आज की वीडियो देखते रहिए, और यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजन की। तो इंजन दोनों बाइक्स में सेम सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है दोनों में। और यदि सीसी की बात की जाए तो स्प्लेंडर में आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, और TVS रेडियन में आपको मिलता है 109.7 सीसी का। एंड यदि पावर की बात की जाए तो पावर में स्प्लेंडर में मिलती है आपको 8.36 BHP की, वो भी 8000 RPM पे। और यदि मैं रेडियन की बात करूँ तो उसमें आपको 8.4 BHP की पावर मिलती है, वो 7000 RPM पे। तो पावर भी लगभग सेम है, तो पावर का कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, पावर भी सेम ठीक ठाक है पावर। और यदि मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस का, कि बाइक के नीचे से हाइट कितनी है, तो बाइक की हाइट है इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, TVS रेडियन में आपको ज़्यादा हाइट मिलती है 180 mm की, जिसमें स्प्लेंडर में मिलती है आपको 159 mm की। तो इसमें आपको रेडियन में फ़ायदा है, यदि आप एक अच्छे से ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक लेना चाहते हैं तो आपको रेडियन लेनी चाहिए। और यदि मैं बात करूँ टायर्स की, तो दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है ट्यूबलेस टायर्स का। और व्हील का साइज बताऊँ तो यदि दोनों में व्हील का साइज़ तो वही सेम है, 18 इंच के टायर है रियर के भी और फ्रंट के भी दोनों। और यदि मैं बात करूँ ब्रेक्स की, तो दोनों के ब्रेक्स भी सेम है, ड्रम ब्रेक्स है दोनों में, डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता आपको कोई किसी भी बाइक में, तो दोनों में आपको वही ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और यदि बात करूँ मैं यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी की, तो फ्यूल कैपेसिटी में आपको स्प्लेंडर में मिल जाएगा 11 लीटर का टैंक, और जो रेड TVS की रेडियन है उसमें आपको मिलता है 10 लीटर का टैंक। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें भी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सेम ही है ये भी, 1 लीटर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हो जाता। और यदि मैं बात करूँ बाइक्स की वारंटी की, जो कि कंपनी देती है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की, जो वायर वगैरह की, तो उसकी वारंटी देती है कंपनी, तो यहाँ पे TVS रेडियन को मिलती है 5 साल की, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है। और स्प्लेंडर की बात की जाए, स्प्लेंडर को ओनली 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस दोनों बाइक्स में, उसमें आपको TVS रेडियन में आपको 3 ईयर्स मोर मिल रही है वारंटी। और यदि मैं बात करूँ दोनों की माइलेज की, तो माइलेज भी आपको सेम सी मिलती है दोनों में, स्प्लेंडर में आपको मिल जाती है 70 की और रेडियन में मिलती है 69 की, तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो सेम माइलेज है दोनों बाइक्स की। और यदि बात करूँ मैं वेट की, तो वेट में आपको स्प्लेंडर में मिलता है 109 kg का वेट, और रेडियन में मिलता है 112 kg का वेट, तो वेट भी लगभग सेम ही है दोनों बाइक्स का। और अभी लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि प्राइस कितना है। तो यह है एक शोरूम प्राइस है मुंबई का, तो मुंबई का एक शोरूम प्राइस है स्प्लेंडर का 49,000 rupees, एंड जो ये TVS रेडियन है इसका 48,400 rupees। ऑन रोड नहीं है, एक्सरूम प्राइस है मुंबई का, तो दोनों बाइक्स का लगभग सेम ही है, 600 रुपये का फ़र्क है बस, 600 रुपये महंगी है स्प्लेंडर प्लस। तो बस यही था आज की वीडियो में, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।